सीएचसी के पास प्राइवेट डॉक्टर बगैर मास्क मरीजों का कर रहे इलाज, वीडियो वायरल। खुटार शाहजहांपुर विकासखंड खुटार में गोला रोड पर बने सीएचसी के पास एक निजी डॉक्टर बगैर मास्क लगाए कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब की पत्नी स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई तथा खुटार क्षेत्र में ही एएनएम के पद पर तैनात हैं, जिसके चलते डॉक्टर साहब को स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण भी मिल रहा है। इसीलिए वर्षों से डॉक्टर साहब का बगैर लिखा पढ़ी का क्लिनिक चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब के डॉक्टरेट संबंधी दस्तावेजों की जांच करना भी अभी तक उचित नहीं समझा गया है। हालांकि इस संबंध में सीएचसी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। सीएचसी से दूर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिनके क्लिनिक संबंधी दस्तावेजों की जल्द ही जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तथा एक डॉक्टर द्वारा वर्तमान समय में मास्क के ना लगाना निंदनीय है, इस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है? हाँ, सोशल मीडिया पर आया है, कल की डेट में डाला गया है। एक सामने कहीं सीएचसी के सामने आम रोड पे तो नहीं है, कहीं गली में है और मैंने भी देखा नहीं। मैं उसे खुद ही जांच करूंगा स्वयं और जा करके उस देखूंगा कि उनके पास डिग्री है कि नहीं है, बगैर डिग्री के बैठे हैं या लाइसेंस है भी कि नहीं है, बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं। तो ये सारी जांच करके फिर क्लियर करूँगा कि उन पर, और जो ऐसा बगैर डिग्री के और बगैर लाइसेंस के बैठते हैं तो अपने सिंह सबको अवगत भी कराऊँगा, साथ में उचित कार्रवाई भी करूँगा। इनके घर में कोई एनम बताया जा रहा है? अभी एनम मुझे अभी आई थिंक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एनम कोई उनका कार्यरत है। उसमें तो बिना भी कोई बात नहीं है, ना ही मेरी कोई उससे पूछताछ हुई है, तो उससे पूछताछ करके जल्दी जल्दी कर रही है। उसमें बिना मास्क के मरीज लगाए जाने का मामला आया, उसमें क्या? बिना मास्क, ये तो आज के डेट में ज़रूरी है कि 2 गज की दूरी रखना और मास्क लगाना ज़रूरी है और ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, सभी को फॉलोअप करना है। यदि ऐसा वो नहीं करता तो उसके लिए भी कार्रवाई के रूप में लिया जाए।